वाह, ये सभी गमबॉल्स को देखो। पर हमारे पास गमबॉल मशीन नहीं है, तो इसके लिए हम अपनी गमबॉल मशीन बनाएंगे। इस गमबॉल मशीन के अंदर मजेदार कर्तव्य हैं, जैसे फनल, ट्रैम्पोलिन्स, डोमिनोज, चरखी और बहुत सी चीजें। तो क्या कहते हो, चलो इसे जोड़ना शुरू करें। चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या काम है। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। थोड़े से बैग, कुछ और चीजें, सब कुछ बाहर कर देना चाहिए। ये सही तरीका है। ये अच्छा समय है भरोसेमंद कैंची चलाने का। जी हाँ, थोड़ा ध्यान से। और ये यहाँ, ऐसा लगता है कि ये टुकड़े गमबॉल मशीन के बड़े हिस्से हैं। और ये तो बनाने के बाद पता चलेगा। अब हमने सारे टुकड़ों को निकाल लिया है, इसलिए हमें सबसे पहले गमबॉल्स की जांच करनी होगी। चलिए देखते हैं वो कैसी हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, पहले थोड़ी सफाई करेंगे, फिर इसे बनाना शुरू करेंगे। ये देखो, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लाल घुमावदार टुकड़ा, जो बनेगा गमबॉल मशीन की नींव, इसे यहाँ रखते हैं। फिर लगाएंगे नींव पर चार पैर गमबॉल मशीन को मैदान पर खड़ा करने के लिए। ये एक, और ये दूसरी वाली, अब ये तीन, और अब आखिर में चौथा पैर यहाँ पर। और यहाँ पर नीले बड़े लंबे टुकड़े जो पहले देखे थे, और इसे यहाँ पर फंसाकर जोड़ देंगे। और अब तैयार होगा गमबॉल मशीन का शरीर। ध्यान रखना कि ये सुंदर और सुरक्षित रहे। ये हो गया। और इसे यहाँ नींव के खाचों के साथ मिला देंगे, और ये सीधा अंदर जाएगा। और ये है गमबॉल मशीन का वितरण तंत्र। इस नॉब को घुमाने से खोखला हिस्सा दिखेगा, जो गम बॉल को पकड़कर उसे नीचे की ओर भेज देगा। और ये छोटा टुकड़ा यहाँ पर जाएगा, और इसके ऊपर हम रखेंगे ग्लोब। ये है ग्लोब का निचला आधा भाग या निचला गोलार्ध। ये लगेगा डिस्पेंसर पर। और अब ऊपरी आधा भाग या ऊपरी गोलार्ध, और जाहिर सी बात है ये ऊपर जाएगा। और अब ये सचमुच की गमबॉल मशीन लगती है। अब आखिर में लगाएंगे ये कीप, जो गमबॉल को ग्लोब में ले जाएगी। अब सबसे अच्छा काम, गमबॉल मशीन में गमबॉल को डालना। मुझे लगता है कि इसे पूरा भर देना चाहिए। ये वहां जा रही है। अरे, हमने कीप को गमबॉल के साथ भर दिया। लगता है इसे भरने के लिए थोड़ी बाहर निकालनी होगी। हाँ, ये ठीक है, ये काफी अच्छा लग रहा है। अब अगर हम गमबॉल मशीन के हैंडल को घुमाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण गमबॉल को धरती की ओर ले जाएगा। हम सब गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं हर चीज में गुरुत्वाकर्षण होता है? इस गमबॉल में भी, आप में भी। ये बहुत कम ध्यान में आता है, पर गमबॉल मशीन पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण लगाना मजेदार नहीं है। चलिए इसमें कुछ और बल लगाकर देखते हैं कि ये कितना मजेदार हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रैम्पोलिन के साथ। इसकी लचकदार उछाल गमबॉल की गुरुत्वाकर्षण को इकट्ठा करेगी, और गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ इसे वापस भेजेगी। इसे यहाँ जोड़ना है और निशाना बनाना है। और अब इस्तेमाल करेंगे पेंडुलम। आप देख सकते हो कि ये उसी स्थिति में वापस आ जाता है, क्योंकि पेंडुलम स्थिर होता है। इस कीप के इस्तेमाल से हमें केंद्राभिमुख बल देखने को मिलेगा, जैसे ही गमबॉल गोलाकार गति पकड़ेगी। यदि आप इसे महसूस करना चाहते हैं तो अपने माता पिता के बाजुओं में घूम कर देखिए। अब हम लगाएंगे ये नीचे की ओर जाता हुआ विमान। ये गमबॉल को नीचे की ओर ले जाएगा, और ये भी बाकी टुकड़ों जैसे लग जाएगा। ये हो गया। और इस ढलान से हम गति के साथ खेल सकते हैं। इसमें कुछ उभार बने हुए हैं, जिससे कि रगड़ लगेगी, जो गति को धीमा करेगी। क्या आप जानते हैं रगड़ से गर्मी पैदा होती है? करके देखिए, अपनी हथेलियों को रगड़िए और गर्मी का अनुभव कीजिए। आखिर में हम लगाएंगे चरखी। इस तंत्र में पहिए और रस्सी का इस्तेमाल होता है बल की दिशा को बदलने के लिए। यदि एक भाग को नीचे करेंगे तो दूसरी ऊपर जाएगी। चरखी का इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा है, और इसकी मदद से हमने कई रोचक चीजें बनाई हैं। तो दोस्तों, क्या हम गमबॉल मशीन चलाकर देखते हैं कि हमें कौन सा रंग मिलता है? अरे वाह, लाल। देखो, केंद्राभिमुख बल गमबॉल को घुमा रहा है सीधा नीचे की ओर चरखी की तरफ। वाह, बहुत बढ़िया। चलो अब लाल गमबॉल को बाहर निकालकर इससे कुछ और नया करते हैं। चलो अब इसे यहाँ पर रख कर देखते हैं। और अब नीले गमबॉल, इसे पेंडुलम की मदद से अंदर की ओर धकेलेंगे। धन्यवाद पेंडुलम। ओह, ये आ गई। बहुत बढ़िया, सीधा चरखी में। चलो एक बार फिर करके देखते हैं।
अरे वाह हरी, इस बार चरखी सचमुच काम कर गई। ये बहुत शानदार था। चलो अब कुछ और करके देखते हैं। चलो अब हम शुरुआत करेंगे सी आकार के इस टुकड़े के साथ। हम इसे यहाँ नीचे फंसा देंगे ठीक डिस्पेंसर के अंदर। अब इसके साथ हम लगाएंगे ये फ्रिक्शन ट्रैक। इस ट्रैक पर उभार बने हैं जो ऊपर और नीचे की ओर जाते हैं। ये गम बॉल की गति को बदलते हैं। अब हमारे पास है नया टुकड़ा और ये टुकड़ा पकड़ने वाला है डोमिनोज को। पहले इसे ट्रैक के साथ जोड़ेंगे, फिर इस पर डोमिनोज रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डोमिनो। अब लगाएंगे टिप ओवर ट्यूब। टिप ओवर ट्यूब भी पेंडुलम जैसे काम करती है, पर ये उसके जैसे स्थिर नहीं रहती। उच्च द्रव्यमान होने की वजह से गम बॉल इसमें आते ही ये झुक जाती है और सीधा ट्रैक में गिर जाती है। तो हम इस टुकड़े से इसे पकड़ेंगे। अब एक और फ्रिक्शन ट्रैक। इसमें और बड़े उभार हैं जो गम बॉल की गति को धीमा करते हैं। यहाँ से निकलते समय शायद हम उसे सुन भी सकें। चलिए अब इसे कसकर जोड़ देते हैं। ठीक है, अब पहले की तरह हम ट्रैक के आखिर में चरखी लगाएंगे। दरअसल हम गम बॉल की यात्रा के लिए दो अलग अलग रास्ते बना रहे हैं, यानी दूसरे रास्ते के लिए पेंडुलम। पहले ट्रैक से गम बॉल को पकड़ने के लिए कीप का इस्तेमाल करेंगे केंद्राभिमुख बल दिखाने के लिए, और ये लेके जाएगा गम बॉल को आखिरी टुकड़े के पास। यहाँ पकड़ेंगे। अब डोमिनो ट्रैक पर गुलाबी गेंद के साथ हमारा ट्रैक तैयार है। चलो इसे करके देखते हैं। वाह ये तो बहुत गजब था। डोमिनोज पेंडुलम के साथ टकरा गए और पेंडुलम कीप में गिर गया। अब पीली गम बॉल के साथ दूसरे ट्रैक में देखते हैं। ये काम कर रहा है। हो चलिए दूसरा करके देखते हैं। अलग अलग बलों को काम करते हुए देख मजा आ रहा है। आप देख सकते हो कि लाल गम बॉल की शक्ति धीरे धीरे पीक की ओर जाते हुए कम हो रही है। गम बॉल मशीन के साथ खेलकर बहुत मजा आया और फिजिक्स सीख के भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे अभी लाइक करें। अगली बार मिलेंगे बच्चों।